कम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के छात्रों के लिए इंग्लिश प्रोच से मैचिंग वर्ड्स का चैप्टर चल रहा था। इस शीर्षक के अंतर्गत हमने लेसन फर्स्ट से लेकर लेसन 3 तक के जितनी भी एक्सरसाइज मैचिंग वर्ड्स की थी वो सब वीडियो के पार्ट 1 में डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। डियर स्टूडेंट्स, इस समय क्लास 10th इंग्लिश प्रोज से मैचिंग वर्ड्स की एक्सरसाइज हल की जा रही थी, जिसमें लेसन फर्स्ट से लेकर लेसन 3 तक की जो मैचिंग वर्ड्स की एक्सरसाइज हैं वो इस मैचिंग वर्ड्स वीडियो पार्ट 1 में आ चुकी हैं, और शेष जो 3 लेसन्स बचे हैं वो इस मैचिंग वर्ड्स के वीडियो पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेसन 4 से मैचिंग वर्ड्स, और इसके पहले का जो वीडियो का पार्ट 1 है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं लेसन 4 की पहली एक्सरसाइज है। नंबर 1 पर लिखा है बल्गिंग। बल्गिंग का मतलब होता है बाहर की ओर निकली हुई या उभरी हुई, तो इसको कमिंग आउट से मैच कर देंगे। अगला है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन या संपत्ति, तो इसको रीचेज से मैच करेंगे। अगला है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है प्रसिद्ध, बहुत ही चिर परिचित, तो इसको नोन से मैच कर देंगे। अगला है फेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्ध या ख्याति, तो इसको रिपुटेशन से मैच करेंगे। अगला है अटर्ड। अटर्ड का मतलब होता है कहा, यानी किसी बात को कहना, ये से का साइनोनिम्स है, तो इसको सेट से मैच कर देंगे। अगला है पॉज्ड। पॉज्ड का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना, तो इसको स्टॉप्ड से मैच कर देते हैं। अगली एक्सरसाइज देखते हैं लेसन 4 की, होमेज। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, तो इसको ट्राइब्यूट से मैच करेंगे। अगला वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा, अर्थात इच्छा का अपोजिट वर्ड, तो इसको अनविलिंग से मैच करेंगे। उसके बाद है फेम। फेम का मतलब ख्यात या प्रसिद्ध, तो रिपुटेशन से मैच कर देंगे। लास्ट में बचता है मौन। मौन का मतलब होता है बहुत अधिक शोक या बहुत अधिक दुख, तो इसको एक्सप्रेस सारों से मैच कर देंगे। अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं लेसन 4 की, फेम। फेम का मतलब ख्यात या प्रसिद्ध, रिपुटेशन से मैच कर देंगे। अगला है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, बड़ाई करना, इसको एडमायर से मैच कर देंगे। अगला वर्ड है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन या संपत्ति, तो इसको रिचेज से मैच करेंगे। अगला शब्द है पजल्ड। पजल्ड का मतलब होता है अनभिज्ञ, अर्थात किसी बात का समझ में ना आना, भ्रमित हो जाना, तो इसको कंफ्यूज से मैच कर देंगे। लेसन 4 की लास्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, फारसेक। फारसेक का मतलब होता है मुसीबत के समय में साथ छोड़ देना, तो इसको हम मैच करेंगे लीव एलोन इन सारो, दुख में अकेले छोड़ देना। अगला है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है इधर उधर बिखरा हुआ, तो इसको थ्रोन हियर एंड देयर से मैच करेंगे। अगला है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का हिंदी अर्थ होता है दूर दूर तक, तो इसको टू डिस्टेंट प्लेसेज से मैच करेंगे। लास्ट वर्ड बचा है डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है आनंदित होना, किसी चीज़ से आनंद प्राप्त करना, तो डिलाइटेड को हम मैच करेंगे टुक प्लीजर से। टुक प्लीजर अर्थात आनंद प्राप्त किया। तो इस प्रकार से लेसन 4 की एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। आगे अब देखते हैं लेसन 5 के मैचिंग वर्ड्स की एक्सरसाइज। लेसन 5 की पहली एक्सरसाइज है जिसमें का प्रथम वर्ड है ओवरपावरिंग। ओवरपावरिंग का अर्थ होता है बहुत तेज या बहुत प्रचंड, तो इसको हम मैच करेंगे वेरी स्ट्रांग से। अगला है क्रूक्स। क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान या मक्कार लोग,
तो इसको डिसऑनेस्ट पीपल से मैच करेंगे। अगला है अर्ज। अर्ज का हिंदी अर्थ होता है तर्क वितर्क करना, बहस करना, वो भी किसी कारण के लिए, तो इसको टू डिस्कस विथ रीजनिंग पर मैच करेंगे। अगला वर्ड है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है टोका टाकी करना या टोकना, अर्थात किसी के विरुद्ध बोलना, तो इसको हम मैच करेंगे स्पीक अगेंस्ट से। अगली एक्सरसाइज देखते हैं लेसन 5 की, मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब रहस्य, तो इसको सेक्रेट से मैच करेंगे। एनफ। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफ़ी, तो इसको सफिशियंट से मैच करेंगे। अगला वर्ड है टॉइल्ड, जिसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत की, तो इसको वर्कड हार्ड से मैच करेंगे। फिर लिखा है क्रीमटेड। क्रीमटेड का मतलब होता है दाह संस्कार करना, अर्थात मनुष्य के कार्प्स अर्थात मुर्दे को जलाना, तो क्रीमटेड को बर्नड फायर से मैच कर देंगे। और डियर स्टूडेंट, कार्प्स का मतलब होता है मुर्दा अर्थात मृत शरीर। अगली एक्सरसाइज देखते हैं लेसन 5 की, फेम। फेम का मतलब प्रसिद्ध या ख्याति, तो रिपीटेशन से मैच करेंगे। फिर है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब होता है तारीफ करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना, इसको एडमायर से मैच करेंगे। उसके बाद है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, रिचेज से मैच कर देंगे। फिर है पजल्ड। पजल्ड का मतलब होता है भ्रमित होना, किसी बात का समझ में ना आना, तो इसको कन्फ्यूज्ड से मैच कर देंगे। अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं लेसन 5 की, सोलाइट्री। सोलाइट्री का मतलब एकदम एकांत या अकेला, निर्जन, इसको लोनली से मैच करेंगे। अगला है हैगलिंग। हैगलिंग का मतलब होता है मोल भाव करना, भाव ताव करना, तो इसको बारगेनिंग से मैच करेंगे। मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, तो इसको सेक्रेट से मैच कर देंगे। लास्ट में बचा रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब होता है स्वागत, तो इसको वेलकम से मैच कर देंगे। और इस प्रकार से लेसन 5 की मैचिंग वर्ड्स की एक्सरसाइज समाप्त हो जाती हैं। आइए अब लेसन 6 की मैचिंग वर्ड की एक्सरसाइज इसी वीडियो में देख लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. लेसन 6 की फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, अर्थात कई जगह, तो इसको डाइवर्सिटी से मिला देंगे, खंडता भी कह सकते हैं। अगला है कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब होता है पत्नी, तो इसको वाइफ से मैच कर देंगे। फिर है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब प्रशंसा करना, इसलिए एडमायर से मैच करेंगे। फिर है यूनाइक। यूनाइक का मतलब होता है अनुपम अर्थात अद्वितीय, जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, तो इसको अनमैचेबल से मैच करेंगे। विविडली। विविडली का मतलब होता है स्पष्ट, एकदम साफ या स्वच्छ, तो इसको क्लियरली से मैच कर देंगे। लास्ट वर्ड है पिग्मी। पिग्मी का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ या छोटा सा, तो उसको डार्फ से मैच कर देंगे। वैसे तो डार्फ का मतलब होता है बौना, लेकिन यहाँ पर तुच्छ या छोटे प्राणी का अर्थ ले लिया गया है। अब लेसन 6 की ये लास्ट एक्सरसाइज जो मैचिंग वर्ड्स की है उसको देख लेते हैं। पहला वर्ड है यूनाइक। यूनाइक का मतलब होता है अनुपम, अद्वितीय, जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, अर्थात उस प्रकार की एक ही वस्तु का होना, तो बीइंग ओनली वन। अगला है स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तिकार, अर्थात जो पत्थरों को काट छांट करके मूर्तियां बनाता है, तो आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग से मैच कर देंगे। उसके बाद है मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब रहस्य, तो सीक्रेट से मैच करेंगे। और लास्ट वर्ड बचता है ग्रेविटी। ग्रेविटी का हिंदी अर्थ होता है गंभीरता, तो इसको सीरियसनेस से मैच कर देते हैं। और इस प्रकार से
सभी लेसन्स की प्रोज में जितने लेसन्स हैं सबकी मैचिंग वर्ड्स की एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है।